हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जे आई बी सी आई बी और बैंक प्रमोशन के संबंध में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सी आई बी का बी एफ एम बैंक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पार्ट वन है। पहला सवाल देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफ ई एम ए इज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेमा, इसको कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है? ए ऑप्शन है आर बी आई, बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सी बी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर टू है, ए लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज डीलर्स इज इशूड बाई। ये लाइसेंस होता है जिसके अनुसार डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में किसी भी ऑथराइज डीलर के साथ, वो इशू किया जाता है किसके द्वारा? ए ऑप्शन है डी जी एफ टी, बी ऑप्शन है एफ डी आई, सी ऑप्शन है आर बी आई, डी ऑप्शन है एक्सिम बैंक, ई ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। सही ऑप्शन आ जाएगा सी आर बी आई। क्वेश्चन नंबर तीन है, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर गवर्न बाई। बाहर जितने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं गवर्न किए जाते हैं किसके द्वारा है? ए ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सी ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, डी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सही ऑप्शन आ जाएगा डी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्वेश्चन नंबर फोर है, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स आर द फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज टू अंडरटेक। बहुत रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स जो होते हैं वैसे फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि ऑथराइज होती है अंडरटेक करने के लिए। ए ऑप्शन है सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस एंड ट्रेवलर्स चेक्स टू द पब्लिक, बी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस एंड ट्रेवलर्स चेक्स फ्रॉम द पब्लिक, डी सी ऑप्शन है रिसीव ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इम्पोर्टर कस्टमर्स, डी ऑप्शन है बोथ सेफ एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस ट्रेवलर्स चेक्स टू और फ्रॉम द पब्लिक, ई ऑप्शन है आइदर ए और बी अबव। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस एंड ट्रेवलर्स चेक्स फ्रॉम द पब्लिक। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फुल प्लेस मनी चेंजर्स आर द फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज टू अंडरटेक। बोलता है जो फुल प्लेस मनी चेंजर्स होते हैं वैसे फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ऑथराइज होते हैं अंडरटेक करने के लिए। ए ऑप्शन है सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस एंड ट्रेवलर्स चेक्स टू द पब्लिक, बी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस एंड ट्रेवलर्स चेक्स फ्रॉम द पब्लिक, सी ऑप्शन है इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इम्पोर्टर कस्टमर्स, डी ऑप्शन है बोथ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस ट्रेवल चेक्स टू एंड फ्रॉम द पब्लिक, ई ऑप्शन आइदर ए और बी अबव। सही ऑप्शन आ जाए डी, बोथ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस ट्रेवल चेक्स टू एंड फ्रॉम द पब्लिक। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ए ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ए ट्रांजेक्शन डेट इज टू बी सेटल्ड, ए ऑप्शन है डेट इज टू बी सेटल्ड ऑन द सेम डे, बी ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सी है ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ई ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस आफ्टर एटलीस्ट 30 days बियॉन्ड द डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, इन विच द डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ डील एंड डेट ऑफ डिलीवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टाइप ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन जो है क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ डील के साथ और डेट ऑफ डिलीवरी के साथ, इसमें से कौन सा चीज़ जो है सही नहीं है, कैश किस तरह सही नहीं है ट्रांजेक्शन के एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन के संबंध में? ये ऑप्शन हो जाए कैश विच इज़ टू बी सेटल्ड ऑन द सेम डे, बी ऑप्शन है स्पॉट डिलीवरी और फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए सी ऑप्शन है टी ओ एम डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन है फॉरवर्ड डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन आ जाए ई, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर एट है, फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस फॉरेन बैंक्स मेंटेन अकाउंट्स विद एडीज ऑथराइज डीलर्स इन इंडिया इन इंडियन रुपीज इन देयर म्यूचुअल कम्युनिकेशन, एडीज इन इंडिया रेफर टू सच अकाउंट एस। बोलता है कि जहाँ पर्पस होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करने का, तो फॉरेन बैंक्स मेंटेन करती है अकाउंट अपना एडी के साथ भारत में इंडियन रुपीज़ में, जहाँ पे म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है तो एडी जो होता है भारत को रेफर करता है उस तरह के अकाउंट को, क्या रेफर करेगा? ये ऑप्शन है लोरो, बी ऑप्शन है एफ सी एन आर, सी ऑप्शन है मॉस्ट्रो, डी ऑप्शन मॉस्ट्रो, ई ऑप्शन स्क्राउ। सही ऑप्शन आ जाएगा सी मॉस्ट्रो। क्वेश्चन नंबर नाइन है, अकाउंट ऑफ ए बैंक इन इंडिया विद फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अब्रॉड इन इंडिया इज कॉल्ड। बोलते जो अकाउंट होता है भारत में अकाउंट जो बैंक का भारत में किसी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का जो कि अब्रॉड का होगा, वो भारत में क्या बोलेंगे हम उसको? ठीक है, भारत में उसको क्या बोलेंगे, ये सवाल है आपका। तो इसको देख, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। डी का
मतलब हो जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस्पोंडेंट अकाउंट। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है जहाँ हम क्लासिफाई कर रहे हैं क्रॉस्पोंडेंट अकाउंट को। नॉस्ट्रो का मतलब होता है योर अवर अकाउंट विथ यू, पोस्टो का मतलब है योर अकाउंट विथ अस, लोरो का मतलब है देयर अकाउंट विथ देम। डी ऑप्शन नन ऑफ देम, सही ऑप्शन है डी नन ऑफ देम, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स नॉस्ट्रो अकाउंट विथ सिटी बैंक इन न्यूयॉर्क। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल्सो मेंटेन्स नॉस्ट्रो अकाउंट विथ सिटी बैंक न्यूयॉर्क। ए, बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम इस नॉस्ट्रो अकाउंट टू नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ बीओबी, देन अकाउंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज कॉल्ड एज। बोलता है बैंक ऑफ इंडिया जो अपना मेंटेन करता है नॉस्ट्रो अकाउंट सिटी बैंक न्यूयॉर्क के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपना अकाउंट मेंटेन करता है नॉस्ट्रो अकाउंट सिटी बैंक न्यूयॉर्क के साथ। बोलता है कि अगर बैंक जो चाहता है कि ट्रांसफर करना फंड्स को अपने नॉस्ट्रो अकाउंट से नॉस्ट्रो अकाउंट बीओबी का, तो यहाँ पे जो अकाउंट होगा बीओबी का उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है नॉस्ट्रो, बी ऑप्शन है वॉस्ट्रो, सी ऑप्शन है लोरो, डी ऑप्शन है कर्ब, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है सी लोरो बोलेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा सीआईबी का वीडियो का कोर्स का पैकेज आप ले सकते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 2000 का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिवीजन नोट होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा और मॉक टेस्ट होगा। इसमें यहाँ पे दो तरह के सीआईबी का कोर्सेज है, एक पीपीटी वीडियो कोर्स जिसमें सीआईबी का ईबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें, उसका दाम 800 रुपये। सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 1500 रुपये। सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 2000 रुपये। अगर आप फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं तो सीआईबी का ईबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें, उसका दाम है 1500 रुपये। सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम करेंगे 2700 रुपये। सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4×9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sitsina123@gmail.com।